আমরা আজকে উপস্থিত রয়েছি সিআরপিএফ এর স্পেশাল ডিজি সেন্ট্রাল জোন রাকেশ জারুয়ার সঙ্গে, এবং তার অধীনে বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলির মতো মাও অধ্যুষিত জায়গাগুলো তারই অধীনে রয়েছে, এবং তার সাথে আমরা কিছু কথা বলে জেনে নেবো যে বর্তমানে মাও পরিস্থিতি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। ওয়েলকাম মিস্টার জারুয়ার টু নিউজ টাইম। পহলেই মে সওয়াল পুছনে সে পহলে আপকো স্বাগত করতা হুঁ, আর মে এক বহুত আম সওয়াল সে শুরু করনা চাহতা হুঁ কি মাওয়িস্ট প্রবলেম এক এসা প্রবলেম হ্যায় জো সরকার সে লেকার আম আদমি কো বহুত চিন্তা মে রাখা হ্যায়। তো ইস সময় মাওয়িস্ট সিচুয়েশন ক্যা হ্যায় অ্যাজ পার ইয়োর অ্যাপ্রিহেনশন, খাস কর বেঙ্গল মে আর বেঙ্গল কে আসপাস কে এরিয়াজ মে? नहीं, हम इतना ही कह सकते हैं कि माओइस्ट सिचुएशन जो आज के तारीख में है, एक साल पहले से अगर कंपेयर करें तो ना बढ़ा है ना घटा है। तो ये हम यही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसको हम लोगों ने बढ़ने नहीं दिया है, और हम लोग उसको जहां तक हो सक रहा है उसको कंटेन करने में सफल हो रहे हैं। बट ये कहना कि समस्या खत्म हो गया है बिल्कुल बेबुनियाद होगा, सही नहीं होगा। सर एक चीज और सामने आता है कि जब ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलता है, खासकर ये पुरुलिया बांकुरा के रेंज पर, जब बंगाल में ज्वाइंट फोर्सेस अटैक करते हैं, कोई इंटेलिजेंस के न्यूज आता है तो ये लोग काफी समय झारखंड या फिर ओडिशा में एस्केप कर जाते हैं और फिर वहां पे एक ऑपरेशन बाद में शुरू किया जाता है। तो ये जो इंटर स्टेट एक ज्वाइंट ऑपरेशन को कितना स्ट्रेस दे रहे हैं आप लोग इस समय? नहीं, हम लोग, हमारा स्ट्रेस है जो नक्सलाइट या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको कंटेन करना, उनको गिरफ्तार करना और उनको विद इन द लॉ में लाना। उसके लिए हमको जहां भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, उसमें हम हमारे मन में कोई इसका इसके बारे में शंका नहीं है कि ये बंगाल है, ये झारखंड है, ये ओडिशा है, जहां भी जाना पड़ेगा जाएंगे। मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ आप जो जवाब दिए अभी, कि कई बार कहा जाता है, ये यूनियन होम मिनिस्टर ने भी पहले कहा है, स्टेट चीफ मिनिस्टर के बीच भी बातचीत हुआ है, कि वहां पे कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बिटवीन दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल पुलिस है और जो ज्वाइंट फोर्सेस बाहर से आते हैं ऑपरेट करने के लिए, कहीं ना कहीं एक तालमेल की कमी नजर आती है। इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे? हो सकता है कि कभी कभी कम्युनिकेशन गैप के कारण नहीं होती हो, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है कि दूसरी स्टेट कोऑपरेट नहीं कर रही है। वो बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, फुल्ली कोऑपरेट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी तो बहुत सारी ऑपरेशंस, अगर उनके कोऑपरेशन नहीं होगा तो हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि माओवादी तो ये नहीं देखते हैं कि ये झारखंड है कि बंगाल है, वो तो जहां उनको सुविधा होती है वहां जाते हैं। अभी एक बहुत ल्यूक्रेटिव सवाल पे आता हूं मैं, जो लोग इतने सालों से बात करते थे, किशन जी और किशन जी, आखिरकार किशन जी को आप लोगों ने मार डाला नवंबर में पिछले साल 2011। इस समय किशन जी के मरने के बाद क्या आपको लगता है कि माओइस्ट के अंदर एक, इस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, या फिर किशन जी के जगह पे कोई रिप्लेसमेंट उन्होंने सोचा है या फिर आ रहा है किशन जी का रिप्लेसमेंट बन के? बहुत बड़े बड़े लोग गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जो माओवादी, जो ये आतंकवादी है, एक्टिविटी चल ही रहा है, तो हम तो बिल्कुल ये बात नहीं कहेंगे या मानेंगे भी, हम अपने मन से नहीं मानते हैं कि एक आदमी के जाने से ये एक्टिविटी कम हो गया या ये डिमोरलाइज हो गए। ये हमारे लिए, हम उतने ही अलर्ट हैं, हम उतना ही कार्रवाई कर रहे हैं जितना पहले करते थे और अब उनके मरने के बाद कर रहे हैं, उसमें हमें कोई कमी नहीं है। अगर देखा जाए खासकर नवंबर से, किशन जी के मौत के बाद से एक शांति जंगल महल में छा गया खासकर बंगाल में, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये सिचुएशन डेवलप किया है या फिर माओइस्ट लोगों का कुछ और प्लानिंग है? इट इज नॉट टाइम टू सिट बैक। हम तो कभी भी माओइस्ट को अंडररेट नहीं करेंगे, बिकॉज द माओइस्ट आर शूटिंग एट अस, सो कॉन्सिक्वेंटली हम तो उनको अंडररेट बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और आप, ममता बनर्जी जी ने कहा ना, ये सुपारी किलर्स है, तो सुपारी किलर्स को तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कभी भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमारे तरफ से हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम अपना गार्ड एकदम नीचे नहीं करेंगे, हम अपना उसी तरह से प्लानिंग करेंगे। हम ये, हमको नहीं लगता है कि किशन जी के डेथ के बाद से समस्या हल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भी खबर इंटेलिजेंस में काफी बार आ चुकी है, बहुत बार आती रहती है कि माओइस्ट लोगों कोई एक स्पेशल कंपनी या बटालियन जिसमें बच्चों को, यूथ को और औरतों को खासकर रिक्रूट करके स्पेशली ट्रेन कर रहा है, जो उनके स्टैंडर्ड एसओपी के खिलाफ है, मतलब स्टैंडर्ड एसओपी से मैच नहीं करता है, तो ये कोई एक बड़ी वरी का बात है? इज इट अ मैटर ऑफ वरी फॉर ऑल ऑफ अस?
नहीं माने कहीं भी बच्चे महिला का इस्तेमाल करना तो गलत बात है ही। माने माने हमेशा ये लगता है कि भाई बच्चे को क्यों इस्तेमाल करे, उसकी उसकी लाइफ क्यों ले रहे हो, ये तो हमेशा गलत बात है। बट इसको हम एग्जैजरेट भी हम नहीं करेंगे कि भाई हर समय हमको महिला ही मिल रही हैं, अब यही बच्चे ही मिल रहे हैं, उनके जो मिलिट्री कंपनीज हैं उनके उसमें सब मेन हैं ये करने के लिए। ठीक है कहीं कहीं पर महिला भी हैं, हम नहीं डिनाई कर रहे हैं ये बात, लेकिन हम एग्जैजरेट इसको नहीं करेंगे कि वो सब उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं जरूर। और ये बड़ी दुख की बात है कि ये करने के लिए कि महिला को और बच्चे को इस्तेमाल करना, बट ये बात नहीं है कि 100% या 90% उन्हीं लोग का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं। माउस को स्पेशल स्क्वाड बनाने की तैयारी कर रहे हैं हमेशा करते रहते हैं इस समय कोई माने वो तो कुछ दिन के बाद पता चलेगा, लेकिन वो उनका ऑपरेशन का वही तरीका है, वो बड़े सीक्रेटिव हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, वो अपना अपना बचत फैलाने के लिए अपना इन्फ्लुएंस फैलाने के लिए हमेशा करते हैं। तो कोई अगर नया बना रहे होंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक और बात जो अभी होम मिनिस्टर साहब ने जब नॉर्थ ईस्ट में विजिट किया, तरुण गोगोई जी के साथ उनका मुलाकात हुआ, तो उसमें एक चीज जिक्र किया था चिदम्बरम जी ने कि एक एक्सटर्नल लिंक है, माओइस्ट इंडिजिनसली सिर्फ अपने बलबूते पर लड़ाई नहीं कर रहे, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश के जासूस एजेंसी हो या फिर कोई ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका इस बारे में क्या स्टेटमेंट होंगे? नहीं देखिए, अगर ये मैंने ये बात नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर चिदम्बरम जी ने ये बात कहा है, आपका इस बारे में क्या स्टेटमेंट होंगे? नहीं देखिए, अगर ये मैंने ये बात नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर चिदम्बरम जी ने ये बात कहा है तो वो बिना माने उसमें जरूर तथ्य होगा, ये मान के चलिए, बिकॉज देश का गृह मंत्री कभी भी ये इस तरह से स्टेटमेंट नहीं देगा अगर उसमें तथ्य नहीं है। अब हाल में देखे प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में इनका एजिटेशन एनजीओ द्वारा अमेरिका के एनजीओ द्वारा किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री ये सब बात ऐसे इजीली नहीं बोलेंगे कि गप करते करते बोल दिया, ऐसी बात नहीं। एज पर एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सपोर्ट है इनको? देखिए होने अपने हमको लगता है या नहीं लगता है नहीं बात है, अगर होगा तो हम सरप्राइज नहीं होंगे, इतना ही मेरा कहना है। हमारे पास कोई ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया है एकदम ये करके, बट अगर होगा तो हम सरप्राइज नहीं होंगे, बिकॉज ये बड़े कट्टर हैं। ये मान के चलिए कि हम कोई आसान इससे नहीं लड़ रहे हैं, ये बड़े कट्टर लोग हैं और ये कुछ भी करने को तैयार हैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। एक और चीज, नॉर्थ ईस्ट में उल्फा इन लोग का काफी दबदबा रहा है इतने सालों से, इधर खालिस्तान का एक प्रॉब्लम था पंजाब में, तो एक चीज सामने आ रही है जो हालांकि इसको अभी इंडोर्स नहीं किया सरकार ने कि खालिस्तान सॉरी पंजाब और नॉर्थ ईस्ट में भी माउस अपना डिजाइन एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे काफी सारे प्रॉब्लम है जिसको ये कैपिटलाइज करना चाहता है, अपना जो दायरा वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत दिन से कर रहे हैं, जब शुरू हुआ था तो हम कुछ ही जिला में थे, फिर एक स्टेट में आए, फिर दो स्टेट में आए, तो ये तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि वो कोशिश कर रहे हैं। अब तो ये तो देश की जनता पर डिपेंड करता है कि वो क्या माने कैसे उसको, हम लोग सरकार पर डिपेंड करता है, हम सिक्योरिटी फोर्सेस पर डिपेंड करता है कि इस बात पर अलर्ट रहें और उनको उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा ना होने दें। तो ये कितना मुश्किल होता है ज्वाइंट फोर्सेस के लिए, क्योंकि माओइस्ट हमेशा कन्वेंशनल टेक्निक से भी थोड़ा बाहर आके अभी कुछ अलग तरीके से ये लोग ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है अभी ज्वाइंट फोर्सेस के लिए? नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट उनके साथ है। हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है कि सरप्राइज एलिमेंट उनके साथ है, वो बीजापुर छत्तीसगढ़ में कुछ कर सकते हैं और उनका सिस्टम है वो ये गुमला में भी कर सकते हैं, सब जगह सरप्राइज एलिमेंट जो है वो उनके साथ। आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा में कई बार कई हमले हुए हैं, बंगाल में टचवुड अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, प्रिकॉशनरी मेजर्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन अभी जो शांति है ये शांति क्या कोई दूसरा संदेश भेजता है? ये कम स्पष्ट जवाब कुछ आपको नहीं दे सकते हैं, बिकॉज शांति कुछ दिन रहे तब ना, अब 2-3 महीना में लोग कहने रहते हैं शांत हो गया शांत हो गया, माने ये तो हम बिल्कुल ही गलत बात है। कुछ दिन शांति, 3-4 साल शांति रहे तब कह सकते हैं कि भाई हाँ शांति है, जैसे नागालैंड में 10 साल से शांति है तो कह सकते हैं कि भाई हाँ शांति है, अभी 3 महीना में क्या आदमी कह सकता है। हाँ?
আজ ব্যাপার কি? আনন্দ, খুবই খুশি দেখছি, পরম আনন্দ। কিছু বলবে তো? নির্মল আনন্দ। এলআইসি জীবন আনন্দ মেচুরিটিতে সমস্যাটার বোনাস আর তারপরেও আজীবন ইন্স্যুরেন্সের আশ্বাস পেলে ওকে আমি তুমি আর সে আনন্দ আর আনন্দ। রাজা ক্রিম কাকা, আমাদের পছন্দটা একই রয়ে। রাজা ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কিট, ভাবুন কালকের খান আজকের। এসে গেল গণেশ সত্তু, এক স্বাস্থ্যকর পানি, স্টমাক সাফ, তাই পেট ঠান্ডা। আপনিও খান স্যার, দেখবেন ট্যাক্সি আলাকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে। কিতনা রঙ্গিন নজারে इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो तो ये काफी है। नया सर्फ एक्सल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। ताई, तू ही बोल, हीरोइन ना एक्स्ट्रा, फ्यूचर देखा जा? नोटून फेयर एंड लवली फ्यूचर क्यों? बारान फ्यूचर एजेंडा। फ्यूचर ब्राइट देखा बे। ফেয়ার এন্ড লাভলি ফিউচার টিউব এখন মাত্র 10 টাকায়। আস্থা রাখুন আপনার স্বপ্ন পূরণে, অফুরন্ত শক্তি নিয়ে এলো ম্যাগনাম গোল্ড ও ম্যাগনাম গোল্ড প্লাস সিমেন্ট। বিল্ড ইউর ফিউচার উইথ গোল্ড, প্রস্তুতকারক রিজন সিমেন্ট লিমিটেড। এসে গেল গণেশ সত্তু, এক স্বাস্থ্যকর পানি, স্টমাক সাফ, তাই পেট ঠান্ডা। আপনিও খান স্যার, দেখবেন ট্যাক্সি আলাকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে। অনমোল ড্রিম লাইট বিস্কিট, এর মাখনে ভরা নোনতা স্বাদ বাকি সব ভুলিয়ে দেয়। বিরলা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, মানুষের সেবায় চিরন্তন। তোদের জেনারেশনের ছেলে নাইস। হাই রিতু। না না না, কি করছো? না না আঙ্কেল, ছোটবেলা থেকে শিখেছি। শুরুটা যদি সঠিক হয় তাহলে সারা জীবন ভালো রিটার্ন পাওয়া যাবে। যেমন টাটা এআইজি লাইফের মহালাইফ গোল্ড, কেবলমাত্র প্রথম 15 বছর বিনিয়োগ করুন কিন্তু রিটার্ন পান 100 বছর বয়স পর্যন্ত। টাটা এআইজি লাইফ, যাতে শুরুটা হয় সঠিক। The Honda Brio, it loves you back. অ্যাসিডিটি আর বদহজমে ডাইজিন দেয় চট জলদি ও কার্যকরী আরাম। ডাক্তারদের মতে নাম্বার ওয়ান অ্যান্টাসিড ডাইজিন। ডাইজিন সত্যি বিশিষ্ট, ডাক্তারদের বিশ্বস্ত। তাই তুই বল, হিরোইন না এক্সট্রা, ফিউচার দেখা যাক। নতুন ফেয়ার এন্ড লাভলি ফিউচার কিউ, বাড়ান ফিউচারের জেল্লা। ফিউচার ব্রাইট দেখাবে। ফেয়ার এন্ড লাভলি ফিউচার টিউব এখন মাত্র 10 টাকায়। তোদের জেনারেশনের ছেলে নাইস। হাই রিতু। না না না, কি করছো? না না আঙ্কেল, ছোটবেলা থেকে শিখেছি। শুরুটা যদি সঠিক হয় তাহলে সারা জীবন ভালো রিটার্ন পাওয়া যাবে। যেমন টাটা এআইজি লাইফের মহালাইফ গোল্ড, কেবলমাত্র প্রথম 15 বছর বিনিয়োগ করুন কিন্তু রিটার্ন পান 100 বছর বয়স পর্যন্ত। টাটা এআইজি লাইফ, যাতে শুরুটা হয় সঠিক। এখন আরো মজাদার কুলিং ক্রিস্টালস ওয়ালা নতুন হল, ঠান্ডা নিঃশ্বাসের ব্লাস্ট। আস্থা রাখুন আপনার স্বপ্ন পূরণে, অফুরন্ত শক্তি নিয়ে এলো ম্যাগনাম গোল্ড ও ম্যাগনাম গোল্ড প্লাস সিমেন্ট। বিল্ড ইউর ফিউচার উইথ গোল্ড, প্রস্তুতকারক রিজন সিমেন্ট লিমিটেড। আমরা আজকে উপস্থিত রয়েছি সিআরপিএফ এর স্পেশাল ডিজি সেন্ট্রাল জোন রাকেশ জারুয়ার সঙ্গে। আপু, কে লাগতা সারেন্ডার পলিসি কিস তরহ হোনা চাহিয়ে জিসসে কি রিয়েলি বেনিফিটেড হো মাওয়েস্ট? নেই, সারেন্ডার পলিসি কা বেসিক প্রিন্সিপল ইয়েহি হোনা চাহিয়ে কি উসকো লাগে ইয়ে বাত কি হাম আপকো হামকো সারেন্ডার করনে মে ফায়দা হ্যায়। আগার উসকে আলাওয়া কোই সারেন্ডার পলিসি হোতা হ্যায় তো ফির ও সারেন্ডার পলিসি বহুত দিন তক নাহি চল সকতা হ্যায়। এক দূসরি বাত হ্যায় কি সারেন্ডার পলিসি জো পঞ্জাব মে হামারা হাম লোগো কা এক্সপিরিয়েন্স রাহা হ্যায় কি হামেশা পরিবার কো লেকে চলিয়ে। পরিবার জিতনা দবাব ডাল সকতা হ্যায় উসকো সারেন্ডার করনে কে লিয়ে উতনা সরকার নাহি ডাল সকতি হ্যায়।
तो अगर हमारी सरेंडर पॉलिसी में परिवार का कोई रोल नहीं है तो वहां पर सरेंडर पॉलिसी हमारी कमजोर पड़ जाती है। ये दो बातें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सरेंडर पॉलिसी में ऐसा होना चाहिए जिसमें कि उसको लगे कि हमको सरेंडर करने में ज्यादा फायदा है बनिस्पत की इस तरह की जिंदगी लीड करने में, और दूसरा है कि हमको परिवार को जरूर अपने साथ रखना चाहिए, उस आतंकवादी या उस परिवार को, उसके थ्रू अगर हम अप्रोच करेंगे तो हमें सफलता ज्यादा मिलेगी। ये तो सरेंडर पॉलिसी के द्वारा उन्हें मेनस्ट्रीम लाने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें मेनस्ट्रीम के कुछ लोग जो अर्बनाइजेशन ऑफ दिस एंटायर रेवोल्यूशन की कोशिश कर रहे हैं कि शहरों में फंडिंग हो रहे हैं, कई जगहों पे काफी पढ़े लिखे लोग इनके साथ जुड़े हुए काफी वक्त से सामने आता जा रहा है ग्रेजुअली, ये कितना खतरनाक है, ये कितना एक यूथ के लिए, एक जो कॉलेज स्टूडेंट है उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कितना खतरनाक है। यूथ हैज टू बी रोमांटिकली इनक्लाइंड, दैट इज व्हाई दे आर यूथ। उसके मन में तो ये बात रहेगा ही कि हम सब कुछ कर सकते हैं। माने कोई भी अगर लड़का, अगर 18-20 साल का लड़का कहे कि बस दुनिया ऐसे ही रहेगी, तब तो फिर दुनिया वैसे ही रही जाएगी। तो उनके मन में ये बात आना तो कोई बुरी बात नहीं है, उनके ख्याल में ये बात आना तो बुरी बात नहीं है। मेरा उनसे इतना ही अनुरोध होगा कि वो ठंडे दिमाग से सोच के कदम लें, जो कि बहुत बार यूथ में होता है कि एक एक्साइटेड होके कदम ले लें, वो ना करें, ठंडे दिमाग से कदम लें कि लॉन्ग टर्म फायदा उनको कहां पर है। लॉन्ग टर्म फायदा हमें माने या ना माने हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही, हमारे अपने प्रोसेस में फायदा है, और ये सिर्फ हम ये बात नहीं कह रहे हैं, ये सारा दुनिया ये बात कह रहा है। क्या आपको लगता है कि जैसे माओइस्ट ऑपरेट कर रहे हैं इसमें आप लोगों को अपना स्ट्रेंथ और बढ़ाना चाहिए, क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ स्ट्रेंथ बढ़ाने की? नहीं, स्ट्रेंथ तो बढ़ना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि मैंने हमारी क्या हुआ है लोग इंडिपेंडेंस के बाद कि प्लान डेवलपमेंट टुक प्रायोरिटी, मतलब डेवलपमेंट टुक प्रायोरिटी एंड पुलिस को नॉन प्लान में डाला गया। अब लोग समझ रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी नहीं होगा तो आपका जो 8% ग्रोथ का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर महिलाएं रेप हो जाती हैं रात में निकलती हैं तो आपका 8% ग्रोथ लेके खाक कुछ फर्क होगा। इसी तरह से माओवादी अगर ट्रेन उड़ा देते हैं तो आपका 8% ग्रोथ कहां तक जाएगा, कैसे लोग एंजॉय करेंगे उसको, कैसे उसका फायदा उठाएंगे, कैसे गरीबी हटेगी। तो इससे हम वो तो स्ट्रेंथ तो सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करना कही चाहिए, और पंजाब का अगर एक्सपीरियंस आप देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बिना सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी मजबूत करने के बिना आपको कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अभी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई है लगता है, कहीं ना कहीं नहीं, थ्रू आउट कमी है। सिर्फ कहीं अगर होता तो बहुत आसान समझता था, सभी जगह कमी है। लोगों में ये बन नहीं आया है कि ये करने के लिए, हमको कभी कभी लगता है कि हो सकता है लोग सोचते हो कि चलिए थोड़ा बहुत कम बेसी होगा, 5 साल बीत जाएगा दूसरा सरकार आएगी, हम क्यों इसमें खर्चा करें। लेकिन ये माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और चिदंबरम जी हमारे होम मिनिस्टर बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमको अपना सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, एंड हम लोग चाहे जो भी कह लें कि स्टेट हैज टू टैकल, स्टेट हैज टू कम टू ग्रिप्स विद इट, उसको तो ग्रिप्स करना ही पड़ेगा। हम लोग तो सीआरपी मदद कर सकती है। अगर आपको कहा जाए कि माओइस्ट को हमारे द्वारा कोई अपील करना चाहे तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, हम मेरा तो बहुत सिंपल अपील है उनके साथ, मैं तो यही कहूंगा कि भाई हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे, गांधी जी कोई बेवकूफ नहीं थे, पंडित जी कोई बेवकूफ नहीं थे, विधान चंद्र रॉय कोई बेवकूफ लोग नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि भाई अगर रास्ता निकालना है तो नॉन वायलेंट मीन से निकालना है, साउथ अफ्रीका में सबको हंस रहा था उस समय जब साउथ अफ्रीका में उन्होंने एजिटेशन शुरू किया, लेकिन अंत में वही एजिटेशन वही सत्याग्रह से आज हम लोग का ये है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम नॉन वायलेंस का रास्ता लेते हैं तो बिटरनेस नहीं रहता है, और जब बिटरनेस नहीं रहता है तो बदला लेने की भावना नहीं रहती है, और जब बदला लेने की भावना नहीं रहती है तो आपका सिंगल माइंडेड डिवोशन रहता है वेलबींग, सबका भलाई हो। और जहां वायलेंस आता है, हम लोग बराबर पुलिस में भी यही बात सिखाते हैं कि जब तक तुम तू मैं जो भी डिस्टेंसेस हो जाए, जिस दिन खून गिर गया तो फिर दरार हो गया, और वो दरार मिटने में 20 साल लगता है। और हमारा यही होगा कि
नॉन वायलेंस कोई ऐसी नॉन वायलेंस तरीके से सही काम करना में समय लगता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है। आपके पास मेरा आखिरी तीन सवाल ये है कि अगर आपको कहा जाए कि ये आम रेवोल्यूशन खत्म होते हुए दिख रहा है इन नियर फ्यूचर, जिस तरह ये चल रहा है। नहीं, खत्म तो होगा ये तो मान के चलिए, और हमको लगता है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके द पॉलिटिकल लीडरशिप इज कमिंग अराउंड टू दैट व्यू पॉइंट कि भाई वी हैव टू मेक द रिसोर्सेज अवेलेबल, एंड वंस द रिसोर्सेज आर अवेलेबल, यार माने 120 करोड़ जनता से लड़ सकते हो तुम? अरे यार माने चाइना पाकिस्तान अमेरिका थर कांपता है यार, ये लोग कहां जाएंगे यार माने। बट द थिंग इज दिस कि टिल सच टाइम दैट पॉलिसी डिसीजन इज टेकन कि यस वी विल मेक द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द सिक्योरिटी फोर्सेज टू हैंडल इट, और ये मान के चलिए सिक्योरिटी फोर्सेज समस्या नहीं हल कर सकते हैं। बहुत लोग के मन में ये बात है, सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनका एक ही रोल है टू प्रोवाइड स्पेस फॉर पॉलिटिकल टॉक्स एंड रिकंसिलिएशन एंड कंसिलिएशन। हमारा ये, हम कभी भी समस्या को हल नहीं कर सकेंगे, हम आपको स्पेस देंगे, आपको जगह बनाएंगे आपके लिए कि भाई आप बातचीत करिए उनको, उनकी समस्या को देखिए और समस्या का रास्ता निकालिए, और ये निकलेगा। आप लोग तो इतने गांव में इतने इतने डिप्लॉयड रहते हैं, आप खुद विजिट करते हैं स्पेशल डीजी होने के बावजूद, आप चारों तरफ विजिट करते हैं, क्या आपको लगता है पिछले तीन सालों में जो डेवलपमेंट की बात कही गई है हर राज्य में, क्या वो डेवलपमेंट वाकई में हुआ है? नक्सल को काबू करने के लिए जो डेवलपमेंट की बात हमेशा कही गई है, इज इट सफिशिएंट लगता है? देखिए, डेवलपमेंट इज लिमिटलेस। आज आपके पास तीन कमीज है तो आप मांगिएगा दो कमीज और, आज आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप मांगिएगा नैनो मांगिएगा। प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं, प्राइमरी रिक्वायरमेंट की भी हम बात कह रहे हैं कि आज पहले जब नरेगा नहीं था तो लोग सूखी रोटी और प्याज खा लेते थे, आज नरेगा है तो लोग थोड़ा सब्जी भी खाते हैं, तो उधर रिक्वायरमेंट तो बढ़ता ही जाएगा और नीड बढ़ती ही जाएगी। बट डेवलपमेंट एक्टिविटी सरकार पूरी कोशिश कर रही है, जितना होना चाहिए उसमें आपका परसेप्शन और मेरा परसेप्शन में फर्क होगा। आप चाहिएगा कि सरकार और करे, सरकार कहती है कि भाई हमको वो भी तो देखना है, ये समस्या है। बट ऐसी बात नहीं है कि एफर्ट नहीं किया जा रहा है, उतना हद तक सक्सेस नहीं मिल रहा है जितना वी वुड हैव हम लोग चाहेंगे मिले। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज इट पॉलिटिकल विलिंगनेस और कॉम्पेंसेशन सफिशिएंट माओइस्ट को मेनस्ट्रीम में लाने के लिए? नो, विदाउट अ पॉलिटिकल दिस थिंग नथिंग कैन हैपन। माने पॉलिटिकल इतने दिन कहीं ना कहीं कमी था पॉलिटिकल विलिंगनेस, माने नहीं, पीपल डिड नॉट रे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम प्रॉपर्ली। The first person to understand the problem properly was the Prime Minister, who said that is the single biggest problem facing India today. That was the first clear message which came down कि भाई ये biggest threat to internal biggest security, threat to internal security है और इसको हम लोग underrate मत करिए इसी। So once तो अब इसी हमारा देश बहुत बड़ा है, कोई भी idea को 10 साल लगता है फैलने में और उसके बाद 20 साल लगता है उस पर कार्रवाई होने में, एग्जीक्यूट होने में कोई कार्रवाई करने में। तो अगर ये कोई बात समझेगा नहीं और कहेगा कि अरे ये कोई कंप्यूटर थोड़ी है कि आपने इंटर प्रेस कर दिया और प्रॉब्लम हल हो गया, वैसे सोसाइटी में प्रॉब्लम हल नहीं होता है और बिना पॉलिटिकल इसके कभी हल हो ही नहीं सकता है। हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हम लोग सिर्फ आपको पॉलिटिकल स्पेस दे सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस अपने मेहनत से अपने जान लगा के आपको पॉलिटिकल स्पेस दे सकते हैं, जिस स्पेस में आपको उनसे बात करके समस्या का समाधान निकालने का मौका दे सकते हैं। हम लोग इतना ही कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इट हैज टू बी पॉलिटिकल, देयर इज नो अदर वे आउट ऑफ इट। और जिसके मन में यह भावना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस उसको कैप कर सकता है, वो बिल्कुल गलत भावना है। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you. Thanks so much. Yeah. Thank you. आज ব্যাপার কি? আনন্দ। খুবই খুশি দেখছি। পরম আনন্দ।